हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ की ब्यूटीफुल स्टेट हिमाचल प्रदेश के बारे में। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं एचपी के, वहां पे एचपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, वो भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है जो इंडिया के नदन पार्ट में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हिमाचल का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम है देवभूमि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। एंशियंट टाइम्स की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का नाम था जलंधारा, जलम और धारा। अगर हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड की बात की जाए तो 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया था, और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश एक न्यू स्टेट बन गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कौन सी डेट को एंड कौन से ईयर में न्यू स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल्स की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के दो कैपिटल्स हैं, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। शिमला को समर कैपिटल बोला जाता है और धर्मशाला को विंटर कैपिटल बोला जाता है। इंडिया का 18th स्टेट है, एंड हिमाचल के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो कौन। करते हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ से पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश हिमालयस की कौन सी साइड में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वेस्टर्न हिमालयस में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश के एरिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। तो आप देख सकते हैं 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती है वो है हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है वो किस स्टेट या कंट्री के साथ टच करता है। तो ये आपको जो है याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्थ है वो जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है, साउथ जो है वो हरियाणा के साथ, ईस्ट तिब्बत के साथ, वेस्ट पंजाब के साथ, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के साथ। आप मैप में भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है हिमाचल के, पंजाब जो है वो वेस्ट में है, चीन जो है वो ईस्ट में है, हरियाणा जो है वो साउथ में है, और जो साउथ ईस्ट में है वो है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल सेक्शंस की। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को तीन ज्योग्राफिकल सेक्शंस में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है शिवालिक हिल्स, सेकंड है मेन जोन जिसको स्मॉलर हिमालयस भी बोला जाता है, और थर्ड है नॉर्थ जोन जिसको एक्सीलेंट हिमालय एंड झंस्कर बोला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे शिवालिक हिल्स के बारे में। जो लोअर हिल्स हैं कांगड़ा की, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन एंड सिरमौर, उनको शिवालिक हिल्स बोला जाता है। सेकेंड है इनर हिमालयस और मिड माउंटेन्स। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मिड माउंटेन्स हैं उनमें दो रेंजेस आती हैं, पीर पंजाल एंड धौलाधार। पीर पंजाल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और धौलाधार जो है वो कांगड़ा, चंबा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो थर्ड है ग्रेटर हिमालय और एल्पाइन जोन। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो झंस्कर रेंज के बारे में आता है कि झंस्कर रेंज जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट को और किस कंट्री को अलग करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट में है और ये स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ हम लोग हिमाचल प्रदेश बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिटेल में दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो चाइना है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति को टच करता है, उत्तर प्रदेश सिरमौर के साथ, उत्तराखंड किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर, हरियाणा आप देख सकते हैं सोलन एंड सिरमौर, पंजाब देख सकते हैं आप सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। पंजाब के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पंजाब को टच करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे चंबा एंड कांगड़ा, लद्दाख में देखेंगे चंबा एंड लाहौल स्पीति। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।